देखा ऐश कहले का आना यार। ए दोस्त, मैंने तुझे मेरे चार पांव वाले दोस्त के बारे में बताया था ना, ये रहा। कैसा है ये? बिल्कुल तेरी तरह ना, ना बोलता है, ना दारू पीता है और ना ही मुझसे टॉक करता है। खैर ये सब छोड़, तू आज अपने बारे में कुछ बता। यार मैं तो भूल ही गया, तू तो बोल नहीं सकता। ए दोस्त इधर आ, इधर जा रहा, इधर आ। आज मैं तुझे अपने जिगरी दोस्त शाहजान के बारे में बताऊं। तो हुआ यूं कि हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक साथ खेले, एक साथ पढ़े हुए, और हमारी एक ख्वाहिश थी कि हम पाकिस्तान नेशनल टीम के लिए खेलें, और इसके लिए हम दिन रात मेहनत किया करते थे। लेकिन कुछ मसला मसाइल की वजह से वो मेरे साथ नहीं आ सका, और उसके बिना मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली। लेकिन वो जनरल उसने सब बर्बाद कर दिया। इल्ज़ाम लगाया कि उसकी मुर्गियां चुराई मैंने। इल्ज़ाम लगाया तो ठीक, फिर उसने यह कहा कि मेरा उसकी बीवी के साथ कोई चक्कर चल रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी, तू देख मैं तेरे को ऐसा आदमी दिखता हूँ? और जब इस बारे में मेरी गर्लफ्रेंड को पता चला तो वह भी मुझे छोड़कर चली गई। शाहजान ने भी मुझे धोखेबाज कर, लेकिन अब उस जनरल की खैर नहीं। इस खंजर से आखिरी दफा मैंने अपनी मुर्गी काटी थी, आज इस जनरल को काटूंगा। और उस दिन से मैंने कसम खा ली, जब तक उस जनरल को इस दुनिया से साफ ना कर दूं, अपने चेहरे पर लगी स्याही को साफ नहीं करूंगा। और अब तुम दोनों मेरे साथी बन चुके हो, तो उस जनरल की खैर नहीं। मेरी बॉटल भी गिर गई। अब उस जनरल के बुरे दिन बहुत नजदीक है, छोड़ेंगे नहीं उसको। ए दोस्त आ देगा ना, देगा साथ? और तू देगा साथ? चल उस जनरल को ठिकाना लगाते हैं, चल आजा, चलो फॉलो मी। फॉलो मी का मतलब मेरे साथ चलो। अरे मैं तो भूल ही गया, तुम दोनों को तो अंग्रेजी समझ में ही नहीं आती। चल चलो जनरल को, चलो जनरल की बिरयानी बनाते हैं, चलो।